नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाथरस हादसे के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने अस्पताल जाकर घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, इसके बाद वो हाथरस के लिए रवाना हो गए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। हाथरस हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, हाथरस में भी पीड़ितों से मिलेंगे। फिलहाल अलीगढ़ पहुंचे हैं और अलीगढ़ में पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, ये बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। हाथरस में भी पीड़ितों से मिलेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी खबर, पीड़ितों से मिले हैं राहुल गांधी। हाथरस हादसे के पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, तो बड़ी खबर इस वक्त, हाथरस में भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अलीगढ़ के दौरे पर फिलहाल राहुल गांधी, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी ने वहां पर मुलाकात की है। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ, जब समापन हुआ तो वह प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी को चिया थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया उनसे क्या मांगे, जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। तो हाथरस में भी पीड़ितों से राहुल गांधी मिलेंगे, अलीगढ़ में वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। वो तस्वीरें, उनके बयान भी हम आपको लगातार सुनवा रहे हैं किस तरीके से, और इसके बाद अब वो हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में वो हाथरस पहुंचेंगे और उसके बाद हाथरस में पीड़ितों के साथ वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आज राहुल गांधी सुबह अलीगढ़ पहुंचे और अलीगढ़ पहुंचकर हाथरस कांड के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी ली कि जिस वक्त सत्संग चल रहा था तो उस वक्त क्या स्थिति थी। रंजीत हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, उनके पास सीधे रुख करते हैं। रंजीत, क्या अपडेट है? राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, किन किन लोगों से मुलाकात की और उसके बाद कितनी देर पहले वो हाथरस के लिए रवाना हुए हैं? देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हूँ और देखिए चंद कुछ ही मिनट में राहुल गांधी यहाँ से निकलने वाले हैं, वे हाथरस के लिए निकलने वाले हैं। परिवार के उन्होंने आंसू पोंछे हैं। 121 लोगों की मौत हुई थी जिसमें चार लोग यही पलखना के थे, जिसमें 6 साल का एक मासूम बच्चा था और 3 महिलाएं थी। आप मेरे पीछे देखिए ये तस्वीरें, राहुल गांधी यहाँ पर अपनी कार में बैठ चुके हैं और वे कुछ ही देर में यहाँ से हाथरस के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से वे हाथरस में पीड़ित परिवार के घर पहुंचेंगे और वहां वे जो पीड़ित परिवार के आंसू हैं उनको पहुंचेंगे। आप मेरे सामने तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी यहां पर बैठ गए हैं सामने और वह निकल रहे हैं। राहुल गांधी से जब बात की तो राहुल गांधी ने बताया कि जो पीड़ित परिवार है उन्होंने उस परिवार के लिए एक न्यायिक मांग की है, जांच की, और जो मुआवजा है उसे बढ़ाने की भी बात की है। आप देखिए ये यहां पर राहुल गांधी चल दिए हैं हाथरस के लिए और यहां से कुछ ही चंद लहों में वे हाथरस पहुंच जाएंगे। हाथरस पहुंचने के बाद वे पीड़ित परिवार से बात करेंगे। ये देखिए आप राहुल गांधी। रंजीत, वहां पर जिन लोगों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने, उनसे आपने बात की होगी, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए यहाँ सब लोगों का यही कहना है, क्या कहेंगे आप राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं? जी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, ठाकुर सोमवीर सिंह जी, और यहाँ जो है पीड़ितों की सिंपैथी के लिए आए हैं। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और हमारे नेता बहुत ही जागरूक है, पूरे देश में इन्होंने यात्राएं की
और जहां भी कहीं सुनते हैं। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी जी यहां से हाथरस के लिए निकल चुके हैं और यहां पर पीड़ित परिवार का राहुल गांधी ने आंसू पहुंचे हैं और आंसू पहुंचने के बाद यहां से राहुल गांधी का काफिला हाथरस के लिए निकल चुका है। हाथरस में वे पीड़ित परिवार से मिलेंगे और वहां पे आंसू पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष यहां पर अलीगढ़ के कांग्रेस के मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी यहां पर आए, पीड़ित परिवार से मिले, यहां पर चार लोगों की मौत हुई थी, क्या मांगे आप? क्या कहेंगे आप जी किसके बारे में? यहाँ पे जो राहुल गांधी जी आए पीड़ित परिवार से मिले, क्या मानते हैं आप? पीड़ित परिवारों से मिल करके वो सरकार से भी मुआवजे की मांग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवाने की मांग करेंगे और जो घायल हैं उनके भी लिए भी मांग करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय अजय राय जी ने 1 करोड़ रुपए तो मृतकों को और 25 लाख रुपए जो है घायलों को देने की मांग की है और हमारी तरफ से भी यही मांग है। मैं इस वक्त पीड़ित परिवार के घर पर बाहर मौजूद हूं और मैं अंदर परिवार से बात करने का प्रयास करूंगा कि परिवार क्या कह रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी तो परिवार रो रहा था, अपने अपनों को याद कर रहा था। ये देखिए, ये अपने लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, यहाँ पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्या मानते हैं आप? हमारे पंकज जी भाई भाभी इनके चरणों में 6-7 साल से जा रहे हैं, इनके भरोसा। 6 साल का लड़का था, क्या मानती हैं? जो बाबा का सत्संग सुनने गया तो क्या कह के गया था घर से? बेटियों से कह रही थी, सर बेटी है, भाई सनों कह रही लगे मत में आ जाओ, जल्दी सत्यो साथ करेंगे, बेटा को संग ले रहे, बेटा था हम संग रहे तो उन्हें एक मिनट भी नहीं छोड़ दो अपनी मम्मी को। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या हुआ? कार्रवाई ये होनी चाहिए, अगर अगर भोले बाबा तुम ये सखी तो तुम आए क्यों नहीं अपने भक्तों को बचाने? ये सब क्यों भाव भाई का क्यों भाव? तुमने मुर्गिया भी नहीं देखा, अगर नहीं पब्लिक चल रही है क्या हो रहा है? ये देखिए, मैं इसी घर पर यहाँ पर पीड़ित परिवार के घर पर मौके पर मौजूद हूँ और आप तो यहाँ पर रंजीत हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, उसी घर में वो मौजूद हैं जहां से वो तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पीड़ितों से राहुल गांधी ने वहां पर मुलाकात की है। जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई, भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे, ढूंढने लगे, थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए? परिवार वाले वहाँ बुला लिए थे? नहीं, बुला लिए थे वहाँ पर। भाई कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए दूसरे के घर में चले गए? जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो क्या मुआवजा देने की बात भी कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं है, सिर्फ हालचाल जाना उन्होंने। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारे हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी जैसा भी होगा। आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। बोला ठीक है। अच्छा। तो लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से यहाँ पर अपडेट और लोगों के बयान भी हम आपको सुना रहे हैं किस तरीके से तमाम जो रिएक्शंस इस पूरे मसले पर हमारे पास आ रहे हैं।